बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियां नहीं है क्या? हमारे बच्चे वो बेटियां नहीं है क्या? उनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा उनका? वो कई दिनों से 21 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जब भी उनकी सुधनी ले जा रही है, आजकल उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। कैमरा पर अपना दर्द बता रोने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि छात्रों को पढ़ाने वाली प्रोफेसर है जो अपनी पीड़ा बताकर रो पड़ी। सरकार को चेताने के लिए आज रोहतक के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन आज सड़कों पर निकले। जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक्सटेंशन लेक्चरर्स पिछले काफी समय से प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रहे हैं। रोहतक के आईसी कॉलेज की एक्सटेंशन लेक्चरर डॉक्टर राधा ने बताया कि उनके साथी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पिछले 10 सालों से उनके साथी और वो प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। अब सरकार उनकी जगह पर नई भर्ती निकालकर उन्हें बेरोजगार करना चाहती है। इस मांग को लेकर वो कई बार शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री सहित विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं, मगर हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इस बार यूनियन ने प्रदेश व्यापी हड़ताल व आमरण अनशन की शुरुआत की है। यूनियन पंचकुला स्थित उच्चतर शिक्षा निदेशालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसको बताते बताते लेक्चरर रो भी पड़ी। उनका कहना है कि इस बार यदि सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। 1 मार्च को सभी लेक्चरर्स विधानसभा का घेराव भी करेंगे। आज हम अपनी मांगों को लेकर बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए रुक रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल भी हमें सुन नहीं रही। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत दिनों से एक्टिविटी हमारी करते आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथी पंचकुला में धरने स्थल पर बैठे हुए हैं सेक्टर 5 में, और उनकी बिल्कुल सुध नहीं ली जा रही। हमारे वो साथी जो है वो कई दिनों से 21 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जब भी उनकी सुध नहीं ली जा रही। आजकल उनकी तबीयत खराब होती जा रही है और बिल्कुल भी उनके बारे में कोई भी सुन नहीं रहा है। अब हम अपने रोज इसी तरह से प्रकट करते रह गया, हम हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। हम अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने टाइम पे सब कुछ करते हैं, लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। मौजूद मरीज है, हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमारा पंचकुला में धरना चल रहा है। उसके बाद हमने 16 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किया और हाउसिंग बोर्ड चौक पे हमें रोक दिया गया। वहाँ से हमारी मीटिंग हुई रजनीश गिरी जी के साथ, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई सिर्फ आश्वासन ही मिला। जबकि 28 नवम्बर को हमने जगाधरी में धरना प्रदर्शन किया था और वहाँ पे खुद शिक्षा मंत्री जी ने आगे बयान दिया था कि आज है, लेकिन उसके बाद भी इतने समय से हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमें डर है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियां नहीं है क्या? और हमारे बच्चे वो बेटियां नहीं है क्या? उनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा उनका? जैसे अगर हमारी गलती लिख जाती है तो हमारे बच्चों का क्या? हम लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, वो कामयाब हो रखे हैं, लेकिन हमारे साथी जो है वो इस तरह से प्रोटेस्ट करने पे उतरे हैं, क्या करें? सरकार हमें जवाब दे, हमें इसका जवाब चाहिए। अब क्या मांगे हैं? हमें सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हम जॉब सिक्योरिटी लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार है, और हम अब जॉब सिक्योरिटी से बिल्कुल हम रुकेंगे नहीं। ये चीज हम लेके ही रहेंगे सरकार से। बच्चों का भविष्य आप लोग बनाते हैं, लेकिन आप लोगों का भविष्य ही खराब है। सरकार को क्या कहें? सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं, हाथ जोड़कर सरकार से हमारी विनती है कि हमारे साथियों की सुन ले, जो आमरण अनशन पे 21 तारीख से बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है, उनकी सुन ले और हमें हमारी जो है स्वतंत्र रूप से हम काम कर सके, इसके लिए हमें जॉब सिक्योरिटी दे। नहीं तो हम 1 मार्च को फिर से विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और हम वहाँ पे हजारों की संख्या में सभी